पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आपने झूठी शिकायतें तो सुनी होंगी, पर शिकायतों को झूठे पोर्टल पर जाते हुए पहली बार देखिए। मामला मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण का है, जहां के अवर अभियंताओं ने अपने ही संघ के पैड पर एक शिकायत कमिश्नर मुरादाबाद से की है, जिसमें कहा है कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन होलगी उन्हें प्रताड़ित करते हैं, इसीलिए उन्हें सामूहिक रूप से तबादला दे दिया जाए। यहां तक तो बात समझ में आई, पर जब संघ ने ही इस शिकायत को फर्जी बताया तो पूरा मामला ही पलट गया। ये जो आप शिकायती पत्र देख रहे हैं, ये अवर अभियंताओं का पत्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन होलगी उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये ज्ञापन कमिश्नर को सौंपकर सामूहिक तबादले की मांग कर डाली। शिकायत हुई तो सुर्खियां बनी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ यूं कि जिस संघ के पैड पर शिकायत हुई थी, उसी संघ के महासचिव ने कहा कि अवर अभियंताओं ने फर्जी तरीके से बिना अध्यक्ष की सहमति से ये ज्ञापन दिया है, जिसका संघ विरोध करता है। इससे आगे महासचिव ने अपने प्रांतीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दी है और शिकायत करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध ही कार्रवाई की बात कह डाली है। राजन सिंह, मैं महासचिव हूं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ की शाखा मुरादाबाद का। सर, एक अभी आपको बता दूं, एक जानकारी आई है कि मंडलायुक्त महोदय को कुछ जेई लोगों ने आपके बैनर तले एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपाध्यक्ष महोदय से वो बुरी तरह उत्पीड़ित हैं और उस उत्पीड़न के कारण वो सामूहिक रूप से तबादला चाहते हैं। क्या जानकारी है सर आपके पास? नहीं, मुझे भी जानकारी है, पता चला है मुझे इसका, कि उन्होंने इस तरह से एक चिट्ठी दी है वहाँ पे, और मैं भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हूँ विश हिसाब से, काफी समय से मैं परेशान हूँ काफी। मगर ये जो चिट्ठी दी है ये गलत दी है मेरी हिसाब से, कि न तो उन्होंने हमसे पूछा है, न हमारे अध्यक्ष जी से पूछा है, और अपनी मर्जी से कहीं से भी लेटर पैड हटा के उन्होंने ये काम कर दिया है। हमें ना विश्वास में लिया है, ना हमें कोई बात करी है इस संबंध में। तो ये तो मैं यूनियन को, प्रांतीय यूनियन को लिखूंगा इस बात में कि इस तरह से कोई भी कैसे लेटर का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बड़ा गलत किया है उन्होंने जो भी किया है, और इस संबंध में यूनियन उनके साथ नहीं है। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि किस कारण से सर ये लेटर लिखा गया होगा? क्योंकि अगर ये एक सच्चाई वाली बात होती तो आप लोगों के हस्ताक्षर या आप लोगों की अनुमति ली जाती ना सर इसमें? नहीं, देखिए, उन्होंने जो लिखा है, मैंने भी पढ़ा है, वो सब मुझे कहीं भी गलत नहीं लग रहा है। लिखा उन्होंने सब सच है, मगर उन्होंने लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया है, हमारी मर्जी के, हमारी सलाह के बिना लिखा है। वो उनके अधिकार में नहीं आता है कि वो संघ के पैड का इस्तेमाल करें। उन्होंने किया, गलत किया। तो सर इस पे क्या आप मंडलायुक्त महोदय को इस बारे में जानकारी देंगे अपने संघ की ओर से कि इस तरह का पत्र आपकी अनुमति से नहीं आया है? यदि आया, यदि आपके पास तक पहुंचा है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं मंडलायुक्त महोदय से इसके लिए अनुरोध करूंगा कि इस तरह से फर्जी तरीके से कोई कुछ भी कर रहा है तो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ना मेरे साइन है, ना अध्यक्ष जी के साइन है, और कहीं से भी लेटर पैड उन्हें मिल गया होगा, उसका अपना आजकल कंप्यूटर से बन जाता है, बना के अपना कर दिया है। गलत है। आपने उसको देखा है कहीं आपके हस्ताक्षर या अध्यक्ष? ना, मैंने देखा है, वो मुझे कॉपी मिली उस पर, तो वो संघ की उस पर पड़ी थी, तो मैंने देखा, तो वो गलत है बिल्कुल। ये ऐसे नहीं, बिल्कुल हम इन बातों में विश्वास नहीं करते कि हम किसी को धोखे से या उस तरह से हम वो करें, ना बिल्कुल नहीं, जो बात रहे स्पष्ट रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।